आज बेच रहे हैं, और शायद इसलिए इसलिए हम स्टेबिलिटी को समझ नहीं पा रहे। हमें क्या करना है? बिजनेस करना है। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन कैसे जैसा सोचो। एक बार अगर मेरे शरीर में कहीं पेन हो रही है ना, तो मैं ये सोच के अपने शरीर के पेन को इग्नोर कर दूंगा कि आने वाले दिनों में अगर मैं घर में बैठ जाऊं ओह बाबा बहुत दर्द हो रहा है बोल के, तो किसी भी सूरत में मेरे घर का संसार नहीं चलेगा। मेरा घर कौन चला देगा? कोई है 2 रुपया देने के लिए? नहीं है। और शायद इसीलिए हम अपने पेन को, हम अपने दर्द को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जहां बात आती है आपके बच्चे के पेन की, जहां बात आती है आपके परिवार के पेन की, जहां बात आती है आपके मम्मी पापा के पेन की, दर्द की, जहां बात आती है आपके वाइफ की, आपके बेटर हाफ के पेन की, वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो बैठ गए तो बाहर के लिए मैं हूं, घर के लिए वो है, फिर घर कैसे चलेगा, घर कौन संभालेगा? और इसलिए आप उनके लिए यानी अपने परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली यही हमें मार्केट में आज करना। और मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बहुत इजीली, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह मुझे ईच एंड एवरी मोमेंट्स में मुझे जिसके साथ भी बात करना है। देखिए आज टाइम पास का जमाना क्या, सॉलिड खत्म, टाइम पास का जमाना खत्म। एक चीज याद रखने वाली बात है, सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते, सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। जैसे एक सच्चाई आज भी है ना, आज ही तो पता चलता है कितने लोग बोलेंगे दिल से केवा, क्यों? आज फेस्टिवल है भाई, और इसके बावजूद आज 222 लोग हैं, बस यही लोग सही मायने में बोलते हैं दिल से केवा, बाकी लोग तो मैं क्लियरली बोलता हूं, है ना। तो आज आज मार्केट को ये समझ के चलना है ना, मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं और ना पब्लिक बहुत ज्यादा बेवकूफ है, कोई नहीं। आज अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिल्कुल इस पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट होना होगा, बिल्कुल इस पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट होना होगा। आप अपने लिए कुछ भी छिपा के मत चलो, अपने आप को खुली किताब बना के रखो कि दादा जो मैंने आज आपको बताया बस यही सच्चाई है हमारी कंपनी की, यही सच्चाई है हमारी कंपनी की, यही ट्रुथ है हमारे सिस्टम की। जिस दिन आपने कुछ चंद रुपयों के लालच में आके आपने 2 लाइन झूठ बोला ना, आप उसी दिन अमरीश पुरी बनेंगे या डैनी डेंजोंगपा बनेंगे, आपको खुद नहीं मालूम चले, है ना। तो वो कैरेक्टर, निगेटिव कैरेक्टर किसी के लाइफ में नहीं लाना है आपको, आपको पॉजिटिव कैरेक्टर लाना है। इसलिए जो बात करनी है सच्चाई पे करनी है, और आप तो किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, किसी को सही बात बताने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आज का जमाना क्या चल रहा है और इस जमाने में मुझे क्या करके चलना है आगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, मेरी पीपीटी की पहली पीपीटी अगर आपके सामने दिखाई दे रही है, तो प्लीज टाइप वाई दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज टाइप वाई दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मुझे देख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मतलब कि आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है, राइट? डन, गो अहेड, मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों आज मैं आपको अपने पीपीटी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज के एनवायरनमेंट में आप बिजनेस को कैसे आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में, आज के इस सेशन में, जिसका इंटेंशन ही है द क्लैरिटी, द डिफरेंस बिटवीन क्लैरिटी, सच्चाई के बीच का फर्क क्या है। आज के इस सेशन का, आज के इस वेबिनार का हेडिंग ही है सच्चाई के बीच का फर्क क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं द डिफरेंस बिटवीन क्लैरिटी। देखिए 2 मैजिक वर्ड है जो हर किसी के लाइफ में है,
आप चाह के भी इसको नहीं निकाल सकते। दो मैजिक वर्ड हर किसी के लाइफ में इन्वॉल्व है, आप चाह के भी इसको नहीं निकाल सकते। उसमें से पहला मैजिक वर्ड है ट्रीटमेंट, आप निकाल सकते हैं। अरे ये ट्रीटमेंट जो है ना, ये हर एक घर में है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अमित गोस्वामी, डॉक्टर अमित गोस्वामी ने अपनी किताब में एकदम अच्छे से मेंशन किया, क्या हो सकता है कि आप अपने सबसे अजीज चीज को भूल सकते हैं, आप यानी कि अपने सबसे प्यारी चीज को भूल सकते हैं, हो सकता है कि आप अपना नाम भूल सकते हैं, हो सकता है आप अपने घर का पता भूल सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने बच्चों को भूल सकते हैं, बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया दोस्त, आप बीमार होना नहीं भूल सकते। आप बीमार होना नहीं भूल सकते, आप बीमार होंगे ही होंगे, और अगर आप बीमार हुए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इलाज कराना पड़ेगा। यानी ये जो वर्ड है ट्रीटमेंट, ये बाय हुक और बाय क्रूक आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड, नहीं झूठ ला सकता मैं। ये बाय हुक और बाय क्रूक आपके मेरे लाइफ में घुसा हुआ है। एक घर मुझे बता दें जिस घर में मेडिसिन नहीं जाती है, एक घर बता दें। सबसे अच्छी बात क्या है, जब हम लोग किसी को जरा सा भी समझाने की कोशिश करते हैं या समझाने के लिए जाते हैं कि दादा देखिए आज का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में अगर आप खुद को सेफ रखना चाहते हैं देन कम विथ मी, हमारे साथ आइए। और पता है वहां पर रिप्लाई क्या आ जाता है, भाई साहब देख लो यार, बीमार होंगे तो डॉक्टर साहब हैं, इलाज तो करेंगे। तो दोस्तों एक सच्चाई से आपको रूबरू करा दूं, मैंने इलाज कराने के चक्कर में घर की आखिरी ईंट बिकते हुए देखी है। मैंने इलाज कराने के चक्कर में जिंदगी भर की पूंजी खाक होते देखी। मैंने इलाज कराने के चक्कर में सोने के भाव की जमीन को मिट्टी के रेट में बिक्री होते देखी है। इलाज कराना है? नहीं ना, यही सच्चाई है, नहीं झूठ ला सकता मैं। ये इतना शानदार मैजिक वर्ड है जो हम सभी के लाइफ में इन्वॉल्व है, चाह के भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? सर में दर्द है, डॉक्टर साहब है ना। थोड़ा सा पैर में मोच आ गई, डॉक्टर साहब है ना। थोड़ा सा पेट में दर्द आया, डॉक्टर साहब है ना। घूम फिर के दिमाग में एक ही बात आता है, इलाज 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 इलाज। और इलाज कराने में मैं अभी बता के गया, अच्छे अच्छे लोगों को भी मैं घुटनों के बल गिरते देखा हूं, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जी जाएंगे, तो क्यों ना इस बार चेंज लाया जाए, क्यों ना इस बार चेंज लाया जाए। और वो चेंज कौन लाएगा? मैं, आप, हम सब मिलके लाएंगे। और वो चेंज क्या लाएंगे? एक छोटा सा बदलाव करेंगे कि लोगों के सोच में से ये ट्रीटमेंट को निकाल के उनके दिमाग में हम देंगे प्रिकॉशन, भाई साहब देख लो, इलाज कराना है। पता है दुनिया की सबसे महंगी होटल कौन सी है? जरा चैट कीजिए, जानू दुनिया की सबसे महंगी होटल कौन सी है, आप लोग मुझे बताइए, दुनिया की सबसे महंगी होटल कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी होटल कौन सी है, जानना चाहता हूं, प्लीज बताएंगे? वेरी गुड। और रिप्लाई करें, रिप्लाई चाहिए, दुनिया की सबसे महंगी होटल कौन सी है? मेफेयर, वेरी गुड, ताज, लीला, वेरी नाइस, द अंडर वाटर, वेरी गुड। एनीवे इंडिया में भी आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बात सच है कि लाखों के होटल्स अवेलेबल हैं, इसके वन नाइट स्टे का लाखों लग सकता है,
लेकिन इसके बावजूद दिल से पूछो तो हॉस्पिटल से महंगा होटल कोई नहीं है। दिल से पूछ के देखो, हॉस्पिटल से महंगा होटल कोई नहीं है भाई साहब। 10,000 रुपए का बेड पड़ता है आपको, वो भी शेयरिंग में। 10,000 का बेड पड़ता है वो भी शेयरिंग में। अब आइडिया लगाओ। तो हमें आज क्या करना है, लोगों के दिमाग में से बस ये बात निकालनी है कि भाई साहब इलाज के बारे में सोचने से कहीं बेटर होगा कि आप कुछ ऐसा क्यों ना करें कि आप बीमार ही ना पड़े। बीमार पड़ेंगे तभी तो इलाज कराएंगे, तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो इलाज कराने की नौबत ही नहीं आएगी। सबसे बेटर ऑप्शन है, हम बीमार पड़ेंगे तब तो इलाज कराने जाएंगे, अगर बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो इलाज की जरूरत क्या है। और यही प्रिकॉशंस आज हम लोगों को सबके ब्रेन में देना है, सबके दिमाग में डालना है, सबको समझाने की जरूरत। भाई साहब आपसे सिर्फ 2 शब्द पूछने आया और इसमें 1 लाइन में आप मुझे हाँ और ना या कोई एक ऑप्शन चूज करके बताने की कोशिश कीजिए, कैसा रहेगा? बीमार होके इलाज कराना आपको पसंद है या कुछ ऐसा करें कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? बस ये 1 लाइन पूछ बैठो। बीमार होके इलाज कराना आपको पसंद है या कुछ ऐसा करें जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? अगर एक बुद्धिजीवी इंसान होगा ना, उसका रिप्लाई यही आएगा कि भाई साहब कुछ ऐसा समझा जाओ कि कभी बीमार ना पड़ो। और जहां उन्होंने समझाया है योर बिजनेस स्टार्ट, जैसे उन्होंने वो पहला लाइन बोला कि कुछ ऐसा बता जाओ कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, और हेयर योर बिजनेस स्टार्ट। और इसी को बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन क्लैरिटी। यही होता है डिफरेंस। उनके ब्रेन में अभी तक सिर्फ एक बात है, बीमार हुआ डॉक्टर साहब हैं, बीमार हुआ डॉक्टर साहब हैं। आपने कभी अदर ऑप्शंस उनके सामने रखा ही नहीं, और इसलिए वो अदर ऑप्शंस कभी जानना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप बताएंगे कि एक अदर ऑप्शंस है आपके सामने जिसको आप यूज करेंगे, तो शायद ट्रीटमेंट कराने में लाखों खर्चे हो जाते हैं भाई, लेकिन प्रिकॉशंस में आपके पान गुटके मसाला के रुपए में आप आसानी से बीमार नहीं होने का फॉर्मूला जान सकते। यही है बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब कहां 15,000 और कहां 1500 फर्क नहीं है, 10 बहुत कहानी बोलता है मेरे भाई, 10 बहुत कहानी बोलता है। और यही तो समझाना है मुझे। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया की जितनी भी मशीन है जितनी भी डिवाइस है, कि यह लॉन्ग लाइफ सर्वाइव कर सकती है? आप इसकी एश्योरिटी ले सकते हैं? ऑब्वियसली नो, आंसर की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद जवाब दे रहा हूं आपको, नो। क्यों? अरे आपके घर में जो एसी लगी हुई है, आपके घर में जो फ्रिज लगा हुआ, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, आप जिस गाड़ी पे चढ़ते हो, आइदर 2-व्हीलर और 4-व्हीलर, भाई साहब जिस कंपनी ने बनाया वो खुद 1 साल का जिम्मेदारी ले रहा है। 1 साल तक की जिम्मेदारी मेरी है भाई साहब, 1 साल के बाद आप समझ लेना कोई नहीं जिम्मेदारी लेगा, साल भर का जिम्मेदारी है। साल भर के बाद आप देखो मशीन कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, बट इसके बावजूद उस मशीन को आप लॉन्ग टर्म अपने साथ लेके चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, अगर उस मशीन का आपने टाइम टू टाइम सर्विस कराया। अगर हम टाइम टू टाइम समय समय पर उस मशीन का सर्विस कराते रहे, तो इस बात की एश्योरिटी हो जाती है, चाहे कंपनी साल भर का ही क्यों ना जिम्मेदारी ले रहा हो, बट अगर मैं टाइम टू टाइम उसे सर्विस कराऊं तो ये मशीन मुझे एक लंबे समय तक साथ देगी, एश्योरिटी हो जाता। इसी तरह हम सभी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मशीन है, जो सबसे एक्सपेंसिव है, जो सबसे रिलायबल है, जो ऑटोमेटिक है और एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन है, और वह है ये मानव शरीर। तो क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म तक, यानी आपके जीवन काल तक आपका साथ देगी?
मैं यही जानना चाहता हूं कितने लोग एक्चुअली ये बिलीव करते हैं, कितने लोग एक्चुअली ये बिलीव करते हैं कि ये शरीर आपको लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगी। ये सुनो, कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि ये शरीर आपका लॉन्ग टर्म तक साथ देगी, देगी लॉन्ग टर्म तक साथ, यस और नो? देगी? वेरी गुड, बिल्कुल देगा सर। ओके डॉक्टर साहब, देगा? यस यस यस, लॉन्ग टर्म, इतना लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगा ना दोस्तों, सिर्फ एक चीज को अगर आपने फोकस कर लिया, इसको बीमार मत होने देना। ये अगर बीमार हो गया ना, तो आप कितना परेशान होंगे इलाज कराने में, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां हो जाएगा पता है? हाइपरटेंसिव होके ऐसी सोच में पड़ जाएंगे कि वहां से रिट्राइव कराना एज ए मिरेकुलस पार्ट हो जाएगा, है ना? यस, ये लॉन्ग टर्म साथ देगी, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते। क्यों? सीधा और सिंपल सा बात, एक घर में आई हुई मशीनरी आइटम के लिए मुझे टाइम टू टाइम एक सर्विस, एनुअल सर्विस पैक लेना पड़ता है उसको चलाने के लिए। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने शरीर का सर्विस कराया अभी तक? क्या आपने अभी तक अपने शरीर का सर्विस कराया? एक मामूली सी मशीन मेरे घर में है, किस रूप में है? फ्रिज के रूप में हो सकता है, एसी के रूप में हो सकता है, वॉशिंग मशीन के रूप में हो सकता है, कोई व्हीकल के रूप में हो सकता है, आइदर टू व्हीलर और फोर व्हीलर। और उसकी सर्विसिंग के लिए मेरे पास एक रिमाइंडर कॉल आ जाता है इवन सर्विस सेंटर से, सर साल भर हो गए आपके एसी के सर्विस का डेट आ गया, मैं क्या सर्विस करने आ जाऊं? सर आपके गाड़ी को लिए हुए साल भर हो गए, मैं आपके गाड़ी का सर्विस होना है, ये पांचवी सर्विस है सर, लेके आ जाओ। सर आपके गाड़ी का 500 किलोमीटर हो गया, मोबिल चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, गाड़ी लेके आ जाओ। दैट इज आई एम आस्किंग, आपके शरीर के लिए आपने कुछ सोचा? ये तो गाड़ी के लिए रिमाइंडर आ गया, शरीर के लिए वो रिमाइंडर हम देने जाते हैं और हमें ही कहा जाता है कि अरे आ गए फिर लूटने के लिए। समाज की एक अच्छी सेवा सिर्फ इस बात से हम करने जाते हैं कि भाई साहब बीमार होके इलाज कराना हर कोई जानता है, बस मैं आपको सिखाने आया हूं कि आप बीमार कैसे नहीं होंगे। एक बार सुन लो, शायद हो सकता है जिंदगी संवर जाए। प्लान क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे इनकम करूंगा, दैट इज सेकेंडरी। द प्राइमरी, मैं आपको मरने से पहले मरने से बचा रहा हूं, मैं आपको मरने से पहले मरने से बचा रहा हूं। और इसलिए मैं समझाने आया हूं कि अपने शरीर का सर्विस करना सीखिए सर, अपने शरीर की सर्विसिंग कीजिए सर। He should accept, आप जब बताएंगे ना तो ही और सी, सामने कोई भी होगा उनको इस बात से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस ब्रदर बताओ कैसे मैं अपने शरीर का सर्विस करूं। और तब आप बता सकते हैं कि जैसे आज एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने अपने शरीर का सर्विस किया, अगर नहीं किया तो इसीलिए तो मैं आपके सामने केवा काइपो इंडस्ट्रीज का प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, जो एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश करेगा कि आप कैसे अपने शरीर का सर्विस करेंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो सर्विस करने के तीनों प्लेटफॉर्म सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तीनों पैटर्न सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सर्विस करने का तीनों पैटर्न सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है और वो है केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड वी आर लकी, वी आर ऑलरेडी इन केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट। जैसे एक मशीन को सर्विस करने के लिए तीन पैटर्न होते हैं। नंबर वन, प्री सर्विस वॉशिंग। आप अपने गाड़ी का जब सर्विस करने जाते हैं, आप अपने एसी का सर्विसिंग जब बुलाते हैं ना, तो वो सबसे पहले वॉश करेगा, सर्विस करने से पहले, मशीनरी आइटम्स को खोलने से पहले वो पहले वॉश करेगा। अगर कहीं डस्टिंग वगैरह लगी हुई है, अगर आपके गाड़ी में कहीं बहुत ज्यादा कचरा जमा हुआ है, तो शायद पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ है,
इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपके गाड़ी को या आपके किसी भी मशीन को पहले वो धोएंगे बढ़िया से। धोने के बाद क्या करते हैं, डैमेज स्पेस रिप्लेसमेंट करते हैं। जो उस मशीनरी आइटम का जो पार्ट्स डैमेज होगा उसको रिप्लेस कर देते हैं, जो स्पेयर्स रिप्लेस डैमेज होगा उसको हटा के उसके जगह पे नया स्पेयर लगाते हैं। और इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस यहां अप्लाई करते हैं वो करते हैं सीलिंग ऑफ सर्विस एरिया। जिस एरिया का सर्विस हुआ, जिस पार्ट का सर्विस हुआ, उसको बढ़िया से सील करते हैं। क्यों बढ़िया से सील करते हैं, ताकि ये फिर से ना डैमेज हो जाए। एग्जैक्टली यही तीन पैटर्न, यही तीन पद्धति हमारे शरीर में भी अप्लाई होता है, हमारे शरीर में भी दिया जाता है, हमारे शरीर में भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे वहां था प्री सर्विस वॉशिंग, वैसे यहां पे है क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन। कौन करता है, एक क्लींजर या एक डिटॉक्सिफायर करेगा। जैसे वहां पे हमारे शरीर में क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन की वहां पे जैसे पहले वॉश करना पड़ता है, इसी तरह हमारे शरीर को भी इंटरनली वॉश करना पड़ता है। एक्सटर्नल वॉश के लिए हम डेली स्नान कर लेते हैं मेरे भाइयों, बट इंटरनली वॉश करने के दैट इज द ऑप्शन। ये आपके पास ऑप्शन है। एक तो बाय प्रोसेस ऑप्शन दिया हुआ, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। एंड आई एम डैम श्योर मोर देन 90% पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्लो है, क्योंकि मोर देन 90%+ को कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है, और ये शुरू होता है लैक ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कम होने की वजह से ये शुरू होता है। और ये कौन करता है, आपके बॉडी में क्लींजर या डिटॉक्सिफायर देना पड़ेगा, और वही आपके बॉडी को एक्सटर्नल रिसोर्सेज के माध्यम से कंप्लीट क्लींज करेगा या कंप्लीट डिटॉक्सिफाई करेगा। मैंने साफ कर दिया, अब क्या जरूरत है, जो साफ करने के समय पे, जो साफ सफाई करने के समय पे हमारे शरीर से डैमेज सेल एंड डेड सेल जो निकलते हैं, डेड सेल एंड डैमेज सेल, डैमेज सेल किस तरह के डैमेज सेल, नॉन रिपेयरेबल डैमेज सेल, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, ऐसे डैमेज सेल्स को भी वक्त रहते निकाल दिया जाता है। अदरवाइज अगर वो सेल्स डिकम्पोज हो गए तो फिर ये कैंसर तक का फॉर्मेशन कर सकता है। और यही डैमेज सेल, डेड सेल निकल गया, और उसके बाद उस जगह पे मुझे वही प्रजाति का सेल लगेगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमें लागू करना पड़ता है, दैट इज रेजुबनेशन या सप्लीमेंटेशन। कौन करता है, रेजुबनेटर या सप्लीमेंट करेगा, रेजुबनेटर या सप्लीमेंट करेगा। अब मैंने नए सेल्स जनरेट कराने के पैटर्न को भी यहां पे दे दिया, राइट सॉरी अब मैंने यहां पे नए सेल जन्म कराने का पैटर्न भी मैंने यहां पे दे दिया, रेजुबनेशन कर दिया, न्यू सेल का जनरेशन कर दिया। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोई ना कोई रीजन तो था कि पुराने सेल मारे गए थे, तभी तो उसे क्लींस करना पड़ा, कोई ना कोई रीजन था। क्या गारंटी है कि अभी जो नए सेल रेजुबनेट हुए हैं ये नहीं मरेंगे, कोई गारंटी नहीं है, मर सकते हैं। इसलिए हमें तीसरा ऑप्शन अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज बैलेंसिंग या मिनरलाइजेशन। कौन करता है, बैलेंसर या मिनरल। आपके नए सेल्स को ओवरलैपिंग सिक्योरिटी देता है, इसको एक्चुअली जापानीज सार्क टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, कभी और आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि मैं तो हर बुधवार आपसे मिलने के आ ही रहा हूं, आज से शुरुआत हुई है। और आज आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि मैं हर एक वेडनेसडे को रात को 9 बजे मैं आप लोगों से मिलने वाला हूं, एवरी वेडनेसडे नाइट 9 PM विद आसिफ अंसारी जरूर रहूंगा, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें आपके बीच लेके आऊंगा, इतना शानदार शानदार चीजें लेके आऊंगा, इतना इजिली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जिसमें आप बहुत आसानी से अपने डाउनलाइन से बिजनेस निकालने में सक्षम हो पाए। और यही चीज आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है, बैलेंसिंग करना होगा। क्या हमारे शरीर में जो अभी नए सेल बने हैं इसको एक ओवरलैपिंग सिक्योरिटी देना, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। अब
ये तीन पद्धति आपने अप्लाई किया अपने शरीर में, आपका शरीर सर्विस हो गया। बस सिंपल सा लाइन समझाने की जरूरत है, बीमारी क्या है एक तरफ रखो, पहले शरीर का सर्विस करो, इसके बाद कहीं अगर खड़खड़ की आवाज आएगी तो उसको हम लोग ठीक कर लें। यही समझाना है टॉपिक, यही बताना है आज टॉपिक को, यही आज मुखातिब होना है, यही आज रूबरू होना है, एक एक करके बताने की कोशिश करना है ईच एंड एवरी पब्लिक जिसके साथ मैं मिल रहा हूं। देखो सर बिजनेस नहीं होगा तो बोलना, हम रॉन्ग ट्रैक में जाते हैं, हम पेशेंट ढूंढते हैं, हम इलाज करने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इजी कंसेप्ट है भाई साहब। बीमारी कुछ भी आप टेंशन लोगे और बीमार होगे, दुनिया का हर डॉक्टर यही बात बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा आप उस बीमारी के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा आप बीमार पड़ोगे। तो उससे बेटर मैं आपको अदर ऑप्शंस दे रहा हूं, क्या करना है, पहले शरीर का सर्विस कर लो, पहले बढ़िया से अंदर से साफ करो तो शरीर को, फिर जितना सेल आपका डैमेज है वहां पे नया सेल जन्म कराओ, तो फिर उसको एक सिक्योरिटी दो। इसके बावजूद कोई बीमारी आपके शरीर में रह जाती है तो सर उसका इलाज कर देंगे, उसके लिए टेंशन की बात नहीं। 3 महीने के बाद मिलने जाना, वो कहेगा भाई साहब क्या चीज दिया यार आपने, मजा आ गया। और इसके बाद जो आपके पास भीड़ लगेगी ना, आप संभाल नहीं सकोगे यार, संभाल नहीं सकोगे। So, आइए मैं बताता हूं कि कैसे आप प्रोडक्ट सिलेक्शन, मैंने तो बता दिया आपको कि क्लींजर आपको लगेगा, डिटॉक्सिफायर लगेगा, रेजुविनेटर लगेगा, बैलेंसर लगेगा, लेकिन कैसे मैं चयन करूं, कैसे मैं सिलेक्शन करूं कि कौन से प्रोडक्ट आते हैं केवा के, बहुत ही देसी स्टाइल में बताऊंगा सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर बॉडी सर्विस कैसे करेंगे। मैं बताऊंगा जरूर आपको, बट मैं बोलूंगा कि इससे फोकस करने से कहीं ज्यादा मैं बात को आगे लेके एक और जगह पे लेके जाऊंगा, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, आप जरूर जान के रखिए, ऐसा नहीं है कि जानने की जरूरत नहीं है। क्या था सबसे पहले, था क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन। एक्चुअली होता क्या है ये प्रोसेस, टू रिमूव डैमेज सेल, डेड सेल। डैमेज सेल किस तरह के डैमेज सेल, दैट इज नॉन रिपेयरेबल डैमेज सेल, ऐसे डैमेज सेल जो रिपेयर नहीं हो सकते, डेड सेल एंड हर्बोसाइट कंटेंट फ्रॉम द बॉडी। हर्बोसाइट कंटेंट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन साइड द बॉडी एंड कैन हार्म आवर बॉडी, जस्ट लाइक ए टॉक्सिन, ये हमारे शरीर के अंदर है और हमारे शरीर को बहुत तेजी से हानि पहुंचा रहा है। नंबर टू, पेस्टिसाइड्स, एनिमल हॉर्मोन्स, ये सारे चीजें हर्बोसाइट्स के अंदर आते हैं। और ये मैं हर्बोसाइड नहीं बोल रहा हूं, दैट इज हर्बोसाइट। हर्बोसाइड जो है टाइप ऑफ फर्टिलाइजर है, हर्बोसाइड इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, बट हर्बोसाइड एक्चुअली एक ऐसा मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर है और ये हमारे बॉडी को हानि पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीजों को बॉडी से निकालने के ही प्रोसेस को क्लींजिंग बोलते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट इसमें आएंगे, ऑल टाइप ऑफ नॉन आइडेंटिफाइड या मल्टीपर्पज जूसेस। एक टर्म होता है एमल्सिफिकेशन, जैसे महिलाएं अपने घर में बर्तन को धोने से पहले बर्तन को भिगोती है, क्यों, क्योंकि उसमें जमे हुए कचड़े को पहले एमल्सिफाई करती है, यानी फुलाती है देसी लैंग्वेज में, वही चीज होता है यहाँ। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो एनिमल हॉर्मोन्स है, अगर उसको पहले आप एमल्सिफाई नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, और इसीलिए आपको जूसेस देने होंगे, क्योंकि जूसेस में ही वो क्वालिटी होता है जो आपके बॉडी में एमल्सिफिकेशन कर सके। अब किस तरह के जूसेस, नॉन आइडेंटिफाइड या मल्टीपर्पज जूसेस। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं, एक छोटा सा सवाल, मैं यहां पे थोड़ा सा स्टॉप करते हुए आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, और वो सवाल है, रिप्लाई करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, वो सवाल है शुगर कंट्रोल जूस किस लिए यूज होता है, मुझे रिप्लाई कीजिए, शुगर कंट्रोल जूस किस लिए यूज होता है, एक सिंगल वर्ड में आप लिख सकते हैं, शुगर कंट्रोल जूस किस लिए यूज होता है, प्लीज रिप्लाई। वेरी गुड, आया शुगर के लिए सप्लीमेंट है। अच्छा, एक मैसेज आया डिटॉक्सी के लिए यूज होता है, ओके वेरी गुड। और कुछ आए वापस तो बोलूं,
और कुछ? शुगर के लिए होता है, वेरी गुड। अब जैसा कि आपने पहचान लिया कि ये शुगर के लिए यूज होता है या शुगर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इसलिए ये क्लींजर में इस्तेमाल नहीं होगा। एकदम देसी हिसाब समझिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस करने के अभी फिराक में नहीं हूं इसको। और जब मैं नेक्स्ट वेडनेसडे में आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको टेक्निकली समझाऊं कि क्यों इस तरह का बात होता है। मैं एकदम देसी पैटर्न में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर कोई समझ सके, क्योंकि हमारे साथ जो है ना कई तरह के लोग हैं, हमारे साथ कई तरह के लोग हैं, है ना। मैं और डिटेल में नहीं जा रहा। अब यहां पे होता है कि एक्चुअली शुगर कंट्रोल जूस हम लोग जानते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी, इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने के लिए यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी। जैसे कि इसका नाम ही आइडेंटिफाइड है, इसलिए मैं एज लाइक ए क्लींजर इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसका इस्तेमाल हो जाएगा रेजुवनेटर के हिसाब से। तो क्लींजर में कौन यूज होगा? नोनी जूस। आप नाम से नहीं पकड़ सकते कहां यूज होगा, आप काम से जानते हैं, आप इतने सालों से केवा में हैं, उस हिसाब से आप जानते हैं। तो नोनी जूस मल्टीपर्पज जूस है, इसलिए वो क्लींजिंग पे आएगा। दूसरा मैंने क्वेश्चन किया लिवर हेल्थ जूस, अब ये नाम ही बता रहा है लिवर हेल्दी रखने के लिए यूज होगा, ये तो जस्टिफाइड है, आइडेंटिफाइड है, तो ये यूटिलाइज नहीं होगा यार एज ए क्लींजर। अब मैंने बोला अकाई जूस, अब अकाई जूस इसका नाम स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है कि कहां इस्तेमाल होगा, इसलिए ये मल्टीपर्पज जूस है, तो ये एज लाइक ए क्लींजिंग यूज होगा। हार्ट केयर जूस कहां यूज होगा? तो हार्ट केयर जूस हार्ट को हेल्दी के रखने के लिए यूज होगा। अब मैंने पहचान लिया, इसलिए एज लाइक ए क्लींजिंग यूज नहीं करने की जरूरत है, इसको एज लाइक ए रेजुवनेटर इस्तेमाल भी। अब मैंने बोला हेल्थ बूस्टिंग जूस, हेल्थ बूस्ट करने के लिए जस्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं है, किसी स्पेसिफिकेशन को नहीं शो करता है, तो ये मल्टीपर्पज जूस है, तो ये एज लाइक ए क्लींजिंग जूस होगा। अब अगर मैं आपको बताने जाऊं कि कितने तरह के जूसेस आप केवा में हैं जो जस्ट लाइक आप क्लींजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एज लाइक ए क्लींजर यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 9 है, मैं 9 को जानता हूं, और भी कुछ होंगे तो आप जरूर जानते होंगे, आप समझते होंगे, जिसमें से मैं समझता हूं सबसे पहले नोनी असाई एलोवेरा, नोनी अकाई एलोवेरा, इसके बाद आ गया गिलॉय त्रिफला व्हीट ग्रास, फिर आ गया मल्टीबेरी जूस, इसके बाद आ गया हेल्थ बूस्टिंग जूस, इसके बाद आ गया आपके पास हेल्थ बूस्टिंग मल्टीबेरी हिमालयन बेरी जूस। तो इतने सारे जूसेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज लाइक ए क्लींजिंग। अब बात आता है कि कौन सा किधर यूज करूं, कोई भी किधर भी यूज कर सकते हैं, ये सारे जो है ना नेचुरल है, साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देते, कुछ ट्रेस पासिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले सेशंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आज का सेशन मैं इसी पे ले जाके आपको एंड करूंगा। दूसरा आ जाता है रेजुबनेटिंग या सप्लीमेंटेशन। रेजुबनेटिंग एक्चुअली किसको बोलते हैं? जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑन क्लोनिंग पैटर्न, नए सेल का जन्म कराना शरीर में क्लोनिंग पद्धति से। क्लोनिंग पद्धति का मतलब वही प्रजाति वाला सेल चाहिए, वही प्रजाति वाला कोशिका चाहिए जो प्रजाति का पहले था, क्योंकि अगर जरा सा भी उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ तो आपके पूरे शरीर की चाल ढाल बदल देगा वो, और इसलिए क्लोनिंग पैटर्न पे मुझे नए सेल चाहिए। तो वो नए सेल का जन्म कराना, दैट इज रेजुवनेशन। अब कौन से केवा के प्रोडक्ट ऐसे है कि रेजुवनेटर यूज होंगे? तो केवा के जितने भी वेलनेस प्रोडक्ट है ना, क्लींजिंग बेस को इंक्लूड करके, बैलेंसिंग बेस को इंक्लूड करके, सब आपका रेजुवनेटर के जैसे काम करते हैं। अब अगर एक एग्जांपल दूं, और भी देसी तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा, ऑल केवा नोन प्रोडक्ट्स आर रेजुवनेटर। अब अगर पाइल्स को रेजुवनेट करना है, पाइल्स केयर खाइए, हार्ट को रेजुवनेट करना है, हार्ट केयर खाइए। केवा की तो सबसे खास बात यही है कि उसके मोर देन 80%+ प्रोडक्ट उसका नाम बताता है कहां लगेगा, बाकी जो 20% कुछ एक प्रोडक्ट है जो हो सकता है नए लोगों के लिए उसका नाम नहीं बताता है, जस्ट लाइक ए मिल्क थिसल ड्रॉप, जस्ट लाइक ए कोएंजाइम Q10, इसका नाम नहीं बता रहा है कि यह कहां काम में लगेगा, बट इसमें जो पिक्चर दे दिया ना कंपनी ने,
मिल्क थिसल के ऊपर लीवर का पिक्चर दे दिया, तो ये उसका फोटो बता रहा है किधर लगेगा। कोएंजाइम Q10 में उसका पिक्चर दे दिया हार्ट का, वो हार्ट के लिए लगेगा। अब बचा 20% प्रोडक्ट, सॉरी 10% प्रोडक्ट जो नाम नहीं बताता है किधर लगेगा, पिक्चर भी नहीं है, जैसे मक्का ड्रॉप्स, मक्का रूट ड्रॉप्स। अब इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किधर के लिए। बस इसी के लिए हम ट्रेनर्स होते हैं, जो थोड़े बहुत 10-12 प्रोडक्ट को लेके आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ब्रेन ओपन करके अगर सुन लिया आपने, कमाल धमाल मचा देंगे आप मार्केट में। ये हो गया रेजुवनेशन। अब आते हैं हम लोग बैलेंसिंग पे। बैलेंसिंग मैंने बताया था ओवरलैपिंग सिक्योरिटी या ओवरलैपिंग प्रोटेक्शन ऑफ न्यू रेजुवनेटेड सेल, जो नए सेल अभी बने हैं इसको सिक्योरिटी देना, यही होता है बैलेंसिंग। इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। सिर्फ दो प्रोडक्ट हैं, KMD और CTMD, इसके अलावा दो और हैं, अल्फा अल्फा आफ्टर द एज ऑफ 45 इयर्स एज लाइक ए बैलेंसर, आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड साथ में है मोरिंगा प्लस फॉर मल्टी डिजीज, एक कनेक्टर का जैसा काम करता है। मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीजें आप लोगों को अगले सेशन में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट हुआ है अभी। हर बुधवार आपके पास आऊंगा तो कुछ ना कुछ टॉपिक तो लेके ही आऊंगा, तो ये सीरीज जस्ट स्टार्ट हुआ है क्योंकि धमाल मचाने वाला हूं आप लोगों को। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपके पास एक क्लींजर होना चाहिए आपके शरीर को सर्विस करने के लिए, जो कंप्लीट बॉडी को इंटरनली क्लींज करेगा। एक आपके पास रेजुवनेटर होना चाहिए कि क्लींज करने के समय ड्यूरेशंस में जो कचड़े के साथ डेड सेल डैमेज सेल निकलेंगे, उन डेड सेल डैमेज सेल को नया सेल उस जगह पे जन्म कराना पड़ेगा, इसलिए एक रेजुवनेशन कराना होगा। इसके बाद एक बैलेंसर देना होगा। बैलेंसर क्यों देना होगा, कि जो नए सेल बने हैं उसको सिक्योरिटी मिल जाए। कमाल की बात है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज जो तथ्य मैं आपके स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं, इसके बाद और इजी आपको हो जाएगा। आपको मालूम है मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्जन ले रहा हूं, अगले टॉपिक पे फिर इसके साथ इंक्लूड हो जाऊंगा। आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में 9,000+ डिजीज एक्टिव है जिसमें मेडिकेशन हो रहा है। 9,000+ डिजीज एक्टिव है जिसमें मेडिकेशन, यानी जिस पर इलाज हो सकती है। हिंदुस्तान में 920+ डिजीज अप्रोक्स एक्टिव है जिसपे इलाज हो सकता है, जिसपे इलाज किया जा रहा है। आपको मालूम है कि नेचुरोपैथ ने इसको समराइज करके ओनली 67 पे लाके खड़ा कर दिया। सिंपल सी बात समझिए, मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलता है कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर या सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर उसका फ्लो हाई एंड लो होता है तो आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई एंड लो होगा। आपके बॉडी में इंसुलिन जनरेशन अगर कम ज्यादा होता है तो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन होगा। तो अगर मैं बीपी हाई और बीपी लो दो अलग अलग तरीके को लेके जाऊं मॉडर्न मेडिसिन में, तो मुझे दो तरह के वो ट्रीटमेंट देंगे। बट नेचुरोपैथ बोलता है सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हुआ ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो को बैलेंस कर दो, स्टडी स्टेट पे कर दो, हो गया कंट्रोल, यानी 2:1 हो गया। ये है नेचर। क्या बताया, क्या हो रहा है, आपका बॉडी में इंसुलिन जनरेशन डिस्टर्ब हुआ ना, पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है ना, इस वजह से उसका प्रोडक्शन कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है, इस वजह से फ्लक्चुएशन से कभी ब्लड शुगर हाई कभी ब्लड शुगर लो हो रहा है ना। मैं पैनक्रियाज को ही ठीक कर देता हूँ, इंसुलिन प्रॉपर बनाने लगेगा तो ये झंझट ही खत्म। और वहां पे लो ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड शुगर दोनों के लिए अलग ट्रीटमेंट चलेगा आपको। ये छोड़िए, सबसे कॉमन बताता हूं, ट्यूमर का नाम सुने ना, अब ये ट्यूमर अलग अलग जगहों पे इसका नाम बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, अगर एक महिला के यूटरस में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, अगर ये मल्टीपल में हो गया तो हो गया पॉलीसिस्ट, अगर ये यूटरस के लेयर में स्मॉल साइजेस में मल्टीपल हो गया दैट इज फाइब्रॉइड, अगर फैलोपियन ट्यूब के मुंह में हो गया यानी उसके इनिशियल पोजिशंस में हो गया तो फैलोपियन ब्लॉकेजेस, राइट, अगर ये ब्रेस्ट में हो गया तो ब्रेस्ट ट्यूमर, अगर बॉडी के कहीं इंटरनल किसी भी जगह पे हो गया तो दैट इज ट्यूमर, अगर बॉडी के एक्सटर्नल कहीं पे हो गया दैट इज ऑल्सो ट्यूमर। अब अगर दिखाई देता है बाहर से और आप उसको छू के ये चीज समझ सकते हो कि यह हार्ड है तो नॉन डाइल्यूटेबल ट्यूमर, और अगर ये छूने से सॉफ्ट है तो दैट इज डाइल्यूटेबल ट्यूमर।
9 तरह का वेरिएशन ट्यूमर पे दिख गया। अब ये ट्यूमर बना क्यों, जिसको सीधा सिंपल सा बात, नॉन आइडेंटिफाइड टिश्यूज बोलते हैं। एक जेनेटिक स्ट्रक्चर अपना सेल भूल जाता है तो एक जगह जम के और एक ट्यूमर बना दिया। बोलते हैं इसके लिए ऑपरेशंस करके इसको काट के निकालने की जरूरत क्या है, कुछ ऐसा दे दूं जो आपके शरीर में इस ट्यूमर के पाथवे को, मतलब इस सेल को ये बता दे तेरा दरवाजा ये है, तुम अपने घर में चले जाओ। तो सब सेल अपने घर में चले गए तो ट्यूमर ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो गया और वो करता है गैनोडर्मा, तो 9:1 हो गया। इसी तरह 920 बीमारियों को समराइज करके कितने पे लाया गया, 67 पे। इसके बावजूद इसमें दो वैरायटीज हो गए, एक हो गया जोनर, एक हो गया प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज मैं किसी और दिन बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको जोनर्स बता रहा हूं। नेचुरोपैथ 67 डिजीज को दो जोन में डिवाइड करता है। जोन नंबर 1 इज इंफेक्शन बेस्ड डिजीज, इन्फेक्शन से आपको कोई बीमारी हो सकता है। एंड नंबर 2 इज न्यूट्रिशन ट्रांजिशन बेस्ड डिजीज, यानी कि पोषक तत्वों की कमी के वजह से बीमारी हो सकता है। नाउ ये टाइम है खुद पे गर्व करने का कि हम एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसके सरपरस्त खुद एक डॉक्टर हैं, जिसको चलाने वाले खुद एक डॉक्टर हैं, और उनको मालूम है एक्चुअली मुझे कौन से टाइम पे क्या देना चाहिए। सो थैंक यू टू केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने ये दो जोनर के हिसाब से बॉडी सर्विसिंग को दो वेलनेस इंट्रो किट में बांट दिया। इसमें क्या बताया कि आपके बॉडी में अगर इन्फेक्शन बेस्ड डिसबैलेंस समझ में आता है तो आप हर्बल कॉम्बो का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आपको नोनी जूस मिलेगा, मोरिंगा प्लस मिलेगा, CTMD मिलेगा। हम बॉडी के जितने भी जस्टिफाइड हर्बोसाइट हैं उसको नोनी से हम आउट करेंगे, और जितने भी माइक्रो क्लींजिंग है वो हम बिस्कोफाइट मैग्नीशियम क्लोराइड से उसको क्लींजिंग करेंगे। कैसे, पैर के तलवे में लगा के, रात को सोने के टाइम पैर को अच्छे से धो लिया, पैर के तलवे को बढ़िया से टॉवल से पोंछ लिया, 3-3 ड्रॉप दोनों पैर के तलवे में लगा के और जेंटल मसाज करके छोड़ दिया। रात भर आपके जो न्यूरो ट्रांजिशन के जो वेन्स होते हैं ना, जिसको माइक्रो वेन्स भी बोलते हैं, न्यूरो ट्रांजिशन वेन्स, ये आपके सेरेब्रल से निकलते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं या कंप्लीट बॉडी में फैलाए जाते हैं, उन छोटे छोटे नसों को भी साफ कर सकता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आप जो तरीका मैंने अभी बताया, पैर को धोना है, पैर के तलवे को बढ़िया से साफ करना है, 3-3 बूंद देके उसको जेंटल मसाज करके छोड़ दीजिए, जो आउटपुट मिलेगा ना, जो फ्रेशनेस आपको फील होगा ना, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते मेरे को। मोरिंगा प्लस से सेल रेजुवनेशन का काम आप कर सकते हैं, और इवन एक बैलेंसर की तरह भी काम करेगा, मैंने आपको बताया, और मिनरल देके मैंने उस सेल को सिक्योरिटी दे दिया। यही है बॉडी सर्विसिंग, बस इतना ही है बॉडी सर्विसिंग। और दूसरा जो केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने बॉडी सर्विस के लिए दिया, दैट इज न्यूट्रिशन ट्रांजिशन डिसबैलेंस, ये देखिए बहुत रेयर यूटिलाइज होता है, आपको ज्यादातर यूटिलाइज होगा इन्फेक्शन बेस्ड, क्योंकि मोर देन 90%+ डिजीज इन्फेक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन ट्रांजिशन बेस्ड डिजीज अब कम हो गए क्योंकि लोग अब समझने लगे कि मुझे क्या खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग आपको पतले दुबले दिखाई देंगे उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, असाई जूस, डेली सुपर प्लस, KMD एंड मैग्नीशियम बिस्कोफाइट, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्कोफाइट, बस यही कॉम्बो है, दो कॉम्बो है। अगर मैं आज के समाज को बस ये समझाने की कोशिश करूं, आज के समाज को मैं बस ये समझाने की कोशिश करूं कि भाई साहब कोई भी आते हैं आपके पास, कोई एक बीमारी लेके आ गया, कोई एक डिजीज लेके आ गया, मैं सिर्फ उनको ये आश्वस्त कर दूं, इतना थोड़ा सा बात समझा दूं कि भाई साहब आपकी जो बीमारी है ना, आपकी जो समस्या है ना, आप एक मिनट के लिए उसको साइड रखिए, मैं जो बोल रहा हूं एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनना है, बस भाई साहब आपकी जो बीमारी है मुझे नहीं जानना, आपके शरीर को सिर्फ एक बार मुझे सर्विस करने दीजिए, ये सर्विस मैं कर दूं, इसके बाद 3 महीना एकदम आंख बंद करके आप पहले अपने फुल बॉडी को सर्विस करने दीजिए, 3 महीने के बाद आप मुझे आके बताना आपका बीमारी कैसा है, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। सिर्फ केवा का हर्बल कॉम्बो दैट इज क्वाइट इनफ मोर देन 900 डिजीज को क्लियर करने के लिए, दैट इज क्वाइट इनफ।
दैट इज क्वाइट इनफ। मजा आ जाएगा आपको सिर्फ एक टॉपिक पे काम करने का। सीधा और सिंपल सा बात, सर बीमारी क्या है ना, ये आप डॉक्टर को बहुत बताते होंगे, सर ये सब अब अभी छोड़ दीजिए, मैं क्यों ना आपको थोड़ा सा टॉपिक चेंज कराऊं सर, क्यों ना कुछ नया करते हैं सर, आपको जरा सा कुछ होगा सर मैं खड़ा हूं पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो भी आपको खिला रहा हूं एकदम नेचुरल है सर, आपके बॉडी में एकदम नेचुरल तरीके के काम करेगा। अरे प्रकृति ने, भगवान ने प्रकृति के तरीके से हमारे शरीर को बनाया ही, तो मैं इसमें केमिकल देके रिपेयर करूंगा, इज इट पॉसिबल? कॉमन सेंस की बात है भाई, इज इट पॉसिबल? अगर इसे मुझे क्लियर करना है, अगर मुझे मेरे शरीर को स्टेबल करके जिंदा रखना है, खड़ा रखना है, तो मेरे पास ऑप्शन प्रकृति का ही हो सकता है और कोई नहीं। आज ये 70-75 साल से ये मॉडर्न मेडिसिन चल रहा है, बट क्या आप जानते हैं 5000 साल पुराना है आयुर्वेदा पैटर्न? महर्षि चरक के बातों को आज तक किसी ने काट सका क्या? चरक संहिता आज भी रिसर्च करने में सबसे ज्यादा सामने आता है, तो मैं इसको इग्नोर करके मैं केमिकल फॉर्मिंग पे जाऊं? इतनी थोड़ी सी आई ओपनिंग बातें अगर आपने अपने समाज में कर दिया ना सर, लोग तारीफ करेंगे आपके, आपका क्लैपिंग करेंगे, आपके साथ खड़े होकर आपके बिजनेस में सहयोग करेंगे। यही बताना है, यही क्लैरिटी देनी है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। हम जो सोचते हैं ना कि इतना बड़ा बड़ा बात बोल के, इतना सारा चीज बोल बोल के हम इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। आज के माहौल में आपको बिजनेस करना है, क्लैरिटी दिखाइए, सामने दिखाइए। आया कोरोना, कौन सा टैबलेट आपके सामने आके खड़ा हो गया भाई साहब आपको ठीक करने के लिए? ठीक तो क्या, यही सिल्वर प्लस नहीं? जहां डॉक्टर जस्टिफाइड करते हैं दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, उनके टर्मोलॉजीज में ये टर्म्स यूज होते हैं, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि 21 दिन से पहले किसी भी कोरोना पेशेंट को खड़ा किया जा सकता है और वो 4 दिन में सिल्वर प्लस खड़ा कर देता है। कमाल तो हम पहले से ही कर रहे हैं सर, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल के छौंका डालना है, बस खेला हो गया, इतना ही तो गेम है, इससे ज्यादा हम क्यों सोचने को जाए। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट यह है कि आने वाले वेडनेसडे को मैं आपको हर्बल कॉम्बो का हर एक प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी नोनी जूस, मोरिंगा प्लस एंड सीटीएमडी कैसे आपके बॉडी को काम में लाएगा। सो कितने लोग एक्साइटेड है नेक्स्ट बुधवार के लिए, और आज का सेशन कैसा लगा एक बार जरूर देखिए। हम भी इंसान है, सुनने का मन करता है, कुछ तो अच्छा बोलिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। आप लोगों का मौजूद होना और आप लोगों का इस तरह से हौसला बढ़ाना हम लोगों को एनर्जी देता है कि हम कुछ भी करके जा सकते हैं। सो आप सभी से ये जानना है कि देखिए, आज आबादी बहुत कम थी, अप्रोक्स मैंने देखा कि 320 तक गई थी, 320-22 तक गई थी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले वेडनेसडे को जो सेशन होगा आज से हल्का तो मत लीजिए। आज जितना था इससे शानदार ही होगा, बट इससे नीचे नहीं जाएगा, है ना? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने जो आपको बताया, मैंने जो आपको सेशन दिया, हो सकता है कि आप अपने डाउनलाइन को एक्सप्लेन करेंगे, बट कहीं ना कहीं स्वाद में चेंजेस आएगा ही है, इसीलिए शेफ होते हैं ना, उनकी स्पेशलिटी अलग है, मैंने जो बताया वो मेरी स्पेशलिटी है। जब आप इसी को आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, कहीं ना कहीं भूल होगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, कहीं ना कहीं कोई टर्म छूटेगा, बट इसी जगह पे थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया, थैंक यू वेरी मच। बट इसी जगह पे अगर आपका डाउनलाइन डायरेक्टली मुझे सुनेगा ना, तो उसे क्लियर होगा एक एक बात क्लियर होगा उसे कि मुझे कैसे बिजनेस करना है। और यही तो आपको बताना है, यही तो एक लीडर की पहचान होती है कि आप उसको सिखाओ कि वो खुद अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो। तो उसको आने दीजिए सर, उसको सीखने दीजिए सर, उसको समझने दीजिए सर बिजनेस
करना कैसे है। सो थैंक यू वेरी मच। अगले बुधवार को रात को 9 बजे मिलते हैं। सो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। जय जय केवल, जय जय केवल, जय जय केवल, जय जय केवल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।